एक कबूतर है, आज से 3 दिन पहले घायल होके घायल के अवस्था में मेरे घर में घर के पोर्च में गिर गया था, तो उसका इलाज कर रहे हैं। दवा खिला देते हैं, लगभग 1 ml इसको दवा देंगे। अभी तो काफी ठीक है, ठीक लग रहा है इसका सेहत। इसका सर एकदम घूम गया था, उल्टा हो गया था एकदम। लेकिन धीरे धीरे रिकवर हो रहा है। धीरे धीरे देंगे, अचानक से हड़बड़ा के नहीं देना है। Thank you.
लहसुन तेल है, इसको सर की मालिश कर देते हैं, क्योंकि इनको भी तेल मालिश की जरूरत पड़ती है। गर्दन काफ़ी टेढ़ा था, लटक चुका था, ये मालिश करने से और दवा वगैरह देने से इसका सर सीधा हुआ है। मसाज कर देंगे थोड़ा तो आराम मिलेगा और सर्दी भी सूख रहा है इसको मालिश करने से। इसके जख्म बहुत गहरे थे, एवं छेद हो गए थे। तो काफी अच्छा हो गया है, काफी भर गया इसके घाव। Thank you.
जब भी ऐसे कोई भी पक्षी हो, कबूतर हो, कोई भी पक्षी हो, या डॉग भी हो, या गाय भी हो, जो भी हो, उसको अगर जख्म हो जाता है तो ये बेटाडीन है, बेटाडीन लिक्विड, इससे कॉटन की मदद से घाव को पहले साफ करें। घाव में पानी ना लगने दें, पानी लगने से घाव बढ़ जाता है। ये बेटाडीन है लिक्विड, इससे घाव को साफ करें कॉटन की सहायता से। और गहरे घाव हो या हल्के घाव, ये जो मलहम है ट्यूब, इससे घाव भरते हैं। और चमड़ी अगर कट गए हो, हट गए हो, तो इससे मांस जुड़ने में आसानी होती है, जल्दी से मांस जुड़ जाती है। और ये पाउडर है, इन्फेक्शन होने से बचाता है और इससे मक्खी वगैरह नहीं लगते और घाव जल्दी ठीक होता है। किसी भी मेडिकल स्टोर से मिल जाएगा। ये सभी मनुष्य का, इंसानों की दवा है, जिसको आप जानवर पक्षी में भी यूज कर सकते हैं। और खिलाने के लिए अभी ये ख़त्म हो गया है, ये GP200 है। इसे इन्फेक्शन नहीं होता और घाव सूखता है, और इससे जो दर्द रहता है वो दर्द नहीं होता, दर्द ठीक होता है। ये GP200 है और ये नाइस है। ये जो है दवा, एक घाव सुखाने के लिए है और इससे टेटनेस वगैरह नहीं लगते, जख्म सूखते हैं। 200 mg का है ये। और ये दर्द है, दर्द को खत्म करता है ये नाइस। ये 100 mg का है। और ये है एबिल 25 mg का। इससे खुजली वगैरह नहीं होता, खराश वगैरह जो होता है घाव ठीक होता जल्दी है, और कोई भी कीटाणु वगैरह नहीं लगता है इसको खिलाने से, और दवाई का इन्फेक्शन भी नहीं होता इससे। तो इसी को खिला रहे हैं अभी। एक टैबलेट ये है, सेट पेट इसका नाम है। ये 200 mg का है। इसको 4 टुकड़ा का, एक टुकड़ा आप पक्षियों को देंगे और डॉग को देंगे, तो छोटे जो रहेंगे उनको आधा और जो बड़े रहेंगे उनको एक टैबलेट देंगे। इससे भी जख्म जल्दी सूखता है, जल्दी ठीक होता है, काफ़ी आराम हो गया है इसे। तो लग नहीं रहा था कि ये बच पाएगा। और खाने में इसको हॉर्लिक्स दे रहे हैं, दूध में भी घोल के दे सकते हैं या सिर्फ पानी में भी घोल के दे सकते हैं। छोटे बर्ड हैं, उनको 3 ml 5 ml उसको एक बार में पिलाएंगे, पेट भरेगा, क्योंकि अपने से खुद से भी खा नहीं सकते हैं। अभी ये खुद से नहीं खा सकते हैं, तो अभी तुरंत दवाई लगाए हैं, तो अभी नहीं खिलाएंगे इसको। खिला चुके हैं पहले, सुबह सुबह ही इसको खिला दिए हैं। जब भी आपके यहाँ भी अगर कोई घायल पक्षी या घायल डॉग वगैरह या कुछ भी जीव आता है जिसको आप सेवा कर सकते हैं, उसको ठीक कर सकते हैं।
कैसा लगा वीडियो, लाइक करें, शेयर करें ताकि औरों को भी मदद मिले। और किसी पक्षी को भेजो, जान बच जाए या कोई भी जीव जंतु, उनकी सेवा करें और पुण्य कमाएं।